उठ जा चोरा, उठ जा, ये बार कांच चोरा टूट। ये आवाज कहां से आ रही गट्टू की? ये बाहर कैसे आ गया बाबा? गट्टूडी और कुलदीप बहुत बदमाश है दोस्तों, इन्होंने रात की 12 बजे मुझको यहाँ पटक दिया गार्डन में, और देखो मैं गार्डन में सो गया था। ये देखो लोमड़ी, मेरे को बाहर निकाल दिया लोमड़ी ने, रात भर में बाहर सो रहा था तेरे जैसे। मैं तो लगा रही थी तेरे को, तेरे आग लग रही थी। देख लोमड़ा, मुझे पकड़ ले आग बुड़ी, ऐसे मत कर। देखो हाथ पकड़ लिया दोस्तों गट्टूडी ने, ये भी नहाना चाह रहा है। चलो इधर बाब रहा है, क्या लगा रखा है ये? ये मैंने लगा रखा फेशियल पैक। फेशियल पैक लगा के मम्मी खड़ी है भूत की तरह, ये खिड़की से झांक रहा है ऐसे। और ये देखो इसको कुलदीप जो है दोस्तों, ये एक्चुअल में आपको लग रहा होगा कि पौधों को पानी दे रहा है, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये दोस्तों कुलदीप की अपाची गाड़ी है, हालांकि हम तीनों की है, पापा मेरी और कुलदीप की, लेकिन कुलदीप इसको जयपुर से लेके आया था, इसकी मनपसंद गाड़ी है। तो ये कुलदीप इसको चमका रहा है क्योंकि पापा ने इसको काफी गंदा कर दिया था, तो मम्मी ने बोला जब धो ही रहा है गाड़ी तो साथ ही साथ पेड़ पौधों को भी पानी दे दे। ये है इसकी पीछे की सच्चाई, ये तड़प रही है दोस्तों बाहर जाने के लिए। देख लो लोमड़ी का फेशियल कर दो, लोमड़ी का फेशियल कर दो। तो दोस्तों ये हमारी सुबह की शुरुआत है एंड हम करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट एंड आपको पूरे घर का अपडेट देता हूँ। आप देख सकते हो मम्मी जो है वो तो फेशियल करके निमटी है, अब पहुंच रही है अपना मुंडा। गप्पूड़ी जो है ये बदमाशी कर रहा है, ये देखो मेरे बारे में अफवाह फैलाता है कि मैं बदमाशी कर रहा हूँ। तो तू अभी कर क्या रहा है? इसे बदमाशी नहीं कहते, इसे गुंडागर्दी कहते। अरे बाप रे, देख लोमड़ी डरती भी नहीं किसी से। हाँ निकल रहा निकल रहा लोमड़ी, मेरे पता है तू डरती नहीं किसी से भी, मत करे करे सरकत है। बिल्कुल अंधेरा कफ हो रखा है, लाइटें वाइटें भी नहीं जला रखी, आज तो घर में एकदम भूत बंगला टाइप हो रखा है। और इसी भूत बंगले में एक भूत जो है वो बहुत भयंकर मस्ती कर रहा है, ये देखो कैसी मस्ती चल रही है। भूत बन के करेगा मस्ती, दे इधर कुलदीप की टी शर्ट। छोड़े, देख देख मस्ती आ रही, जो देखो दोस्तों जो मिल रहा है ना उसी से फैलावड़ा कर रहा है ये देखो। देख कुलदीप जो है ये पहले दोस्तों उधर से पानी दे रहा था और अब ये देखो उधर से इधर आ चुका है और खूब पानी दे रहा है। ए पागल, ये बहुत ज्यादा सड़ना हो रहा दोस्तों, इसके दो चपेट मारनी पड़ेगी। देख लो मतलब जहाँ मैं इसकी तरफ वीडियो कर रहा हूँ ना, कभी तो पानी डाल रहा है, कभी मेरे पेट में पानी डाल दिया, मैं सो रहा था, बाहर पटक रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम दोनों आज मेरे साथ? आज की अगर मौसम की बात की जाए तो कोटा में धूप का माहौल है। ये क्या है? रेवोल्यूशनल लाइब्रेरी। गाड़ी स्टार्ट क्यों करी थी तेने? नाटक मत कर फालतू के, लिया उसको चुपचाप से ऊपर चढ़ा के। ये गाड़ी धो दी है इसने और मुंह पे भयंकर जोर से धूप पड़ रही है, मेरे को कुछ तो दिख नहीं रहा लेकिन आपको जरूर अच्छी तरह से दिख रहा होगा। आज हम आपको बता रहे हैं हमारी गाड़ी का मॉडल, ये कुलदीप की जो गाड़ी है इसका नाम है अपाची और ये है RTR 160 मॉडल। घोड़ा भाई के घोड़ा, देख घोड़ा का साइन है। घोड़ा भाई घोड़ा आज दिवाली की गाड़ी धो रहा है क्या? फिर तू कार भी धोता है तू? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जमता तो बिल्कुल नहीं है इस गाड़ी पर। बाकी यूं नहीं कहता कि मैं भी जम रहा हूँ, मैं भी थोड़ा टकटाऊंगा जब भी जमूंगा, और पापा जो है ना वो पूरी तरह से जमते हैं। ताकि हम तो सूखे बाइकर है, ये देखिए सूखा बाइकर नंबर 1, सूखा बाइकर नंबर 2, सूखा बाइकर नंबर 3। आप इमेजिन करो लोमड़ा जो है वो बढ़िया कोट वोट पहन के, ऐसे चेन लगा के, कोट की हेलमेट लगा के बाइक चला दे, कितना प्यारा लगेगा लोमड़ी। फिर तो लोमड़ी रोड रेज कर देगी बोतों के साथ। तो अभी मैं अंदर आया दोस्तों, कुलदीप को मम्मी ने डांट दिया बढ़िया वाला। कुलदीप गेट को क्या रहा था लेकिन मम्मी को ये नहीं पता था कि बाहर का हमारा मेन गेट भी बंद कर दिया है। मम्मी को लगा गट्टू नहीं भाग जाए कहीं। देखा टीचर नहीं पाड़नी। फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाने का एक फायदा है कि मैं भी अच्छी तरह से वीडियो में दिखता रहूंगा, वरना मैं क्या है पीछे के कैमरे से बनाता हूँ। मम्मी सुपरस्टार बन चुकी है, कुलदीप सुपरस्टार बन चुका है, गप्पूड़ी तो ऑलरेडी सुपरस्टार बन चुका है, लेकिन मैं जो कि डायरेक्टर एडिटर और वॉइस आर्टिस्ट और सब कुछ इस चैनल पर और गप्पूड़ी के चैनल पर, उसको पहचान नहीं मिल पा रही है दोस्तों। अच्छा हमको पहचान मिल गई, इसको पहचान नहीं मिल रही। देख लोमड़ा, करते हो मुझसे प्यार तो जताया करो कमेंट में यार, किशोर भाई आई लव यू ऐसे लिखे करिए ताकि मुझे भी लगे मेरे दोस्त मेरे साथ है। इसके लात मारी दोस्तों मैंने, मुझे क्यों तोड़ा? कुलदीप तो हीरो लिख रहे लो। कुलदीप हीरो किस एंगल से ये आपको हीरो लगता है? हालांकि ये खूबसूरत तो है क्योंकि दुकान वाले बहन से नाम पड़ गया है। खूबसूरत है ये इतना सहा नहीं जाता।
देखिए आप लफड़ा, गिर जाता भी दोस्तों में टेबल से। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, क्या हो रहा है? तू चाब रही तुझको, चाबूंगी, छोड़ मुझको, छोड़, ये ताले का कवर है, इसको चाबूंगी। ये देखो लोमड़ी को, ये चाब रही थी इसको, चाबू चाबू कर रही थी, इसको फेंकना पड़ेगा मुझको। डॉक्टर साहब आ जाओ, डॉक्टर साहब हमारी गप्पूड़ी ना ये फैलावड़ा कर रही है। मम्मी डॉक्टर साहब आ गए डॉक्टर साहब, अभी बुलाता हूँ। डॉक्टर साहब, और कितना मेकअप करोगी मम्मी? बेटा पूरा मुंह सुबह से आप थपेड़ रही हो इससे, पहले जाने फेस मास्क लगाए थे, आप जाने क्रीम लगा रही हैं। मैंने एक घंटा हो गया मेरे को देखते देखते मम्मी को ऐसे करते हुए। और आपके लिए एक सरप्राइज है, ये मम्मी नहीं है, ये मम्मी की मिरर इमेज है, ये देखो असली मम्मी इधर है। बहुत भयंकर थका देता है दोस्तों गप्पूड़ी मुझे, मम्मी फोन पे बात कर रही है। कुलदीप जो है वो बाथरूम में गया है नहाने, एंड मैं भी सोच रहा हूँ गर्मी बहुत भयंकर लग रही है, नहा लेता हूँ। नहाने में बहुत आलस आता है यार दोस्तों, सही बता रहा हूँ, तो ऐसा करता हूँ सोफे पे बैठे बैठे नहा लेता हूँ। दोस्तों इसी के साथ मैं आ चुका हूँ अपने ये फेस पे मास्क लगा के, धूप है ना बहुत हो रही है हमारे कोटा में, तो मैंने ये चीज लगाई है, धूप है ना ज्यादा अपना चेहरा काला नहीं कर सकेगी इसलिए मैंने ये लगाया है। देखिए दोस्तों सुंदरता के लिए दोनों माँ बेटे, लग नहीं रहे आपको एकदम भूत की तरह? One hour later. अभी दोस्तों हमारी गप्पूड़ी जो है वो सो रही थी और देखो मेरे आते ही उठ गई, इसने अपने मुंह पे लगा रखा था वो सब हटा लिया है। क्या ग्लो आया चेहरे पे? ग्लो थोड़ी था जो धूप के लिए, मुझे और फुंसिया ज्यादा दिख रही है। मम्मी के जरूर चेहरे पे ग्लो आ गया है चीज को लगाने के, जबकि मम्मी का रंग सांवला है कुलदीप की तुलना में। क्या हो रहा था ये? बैंगलोर चलेगी कपूड़ी? चलो बैंगलोर चलो, ये बैंगलोर जान लग गए देख लो, बैंगलोर चल रही है। तो से बंद है गेट बैंगलोर का, बैंगलोर की फ्लाइट ऊपर से पकड़ूंगी। ये बैंगलोर आई थी तू तो बारिश करने लग गई, बारिश करके तो जाऊंगी एयरप्लेन करूंगी। वो धूप है रे, कल बारिश हो गई आज धूप आ गई, वापस उमस पड़ेगी। मन तो करता है कभी कभार यार आराम से मॉल जाऊं, आराम से पिक्चर देख के वहाँ टाकेज में पड़ा रहूं बस ऐसा करके। आपको पता है मेरे को सबसे अच्छी अगर कोई जगह लगती है ना तो वो लगती है टाकेज, आराम से नहीं जाओ दो घंटे पिक्चर देखो और दो घंटे के लिए बाहर की मोहमाया वाली दुनिया से फ्री। लग गई लोमड़ी मेरे, लग गई लोमड़ी। लोमड़ी के नाखून बहुत बढ़ रहे हैं दोस्तों यार, हालांकि इसके नाखून मैंने हल्के हल्के करके काट दिए हैं, इनका एक कटर आता है, लेकिन अगर आप भी कभी यूज करो तो बहुत ध्यान से करना दोस्तों यूज। इनके नाखून ऐसे नहीं कटते जैसे अपने कटते हैं, अपने तो क्या काट लेते कट करके, इनके ना आगे से बहुत धीरे 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 थोड़ा 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 करके काटना पड़ता है। अगर आपको तरीका नहीं हो तो कभी खुद डॉग के नाखून नहीं काटे। ये भी प्रॉब्लम है दोस्तों, डेली की डेली खाना क्या बनाए, आपके भी घर में ये प्रॉब्लम होती होगी। मम्मी पूछती हमसे बेटा खाने में क्या बनाऊं, अब मैं अगर कुछ बोल दूं ना मेरे मनपसंद तो वो तो पक्का नहीं बनेगी। नहीं आलू टमाटर तो नहीं बनाऊंगी। देख मम्मी जल्दी से खाना बना दो भूख लगी, खाने वाली बाइक लगा लो, मेरे से तो नहीं बन रहा, थक गई मैं तो, खा दे तुम्हारी रोटियां बना। तो अभी आप टाइम देख सकते हो 12:30 बजने वाली है और अभी हमारा नाश्ता चल रहा है, ये देख सकते हो आप, अभी रोटी सब्जी बन रही है, एप्पल एंड बॉर्नविटा शेक ये मैं पी रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे पास गप्पूड़ी भी लेटी हुई है पास में ही, इसको भी खिला रहा हूँ। ले चेब खाएगी ना चेब? आप अगर अपने डॉग को सेब खिलाओ तो दोस्तों उसका बीज बिल्कुल भी मत देना, खराब होता है, और छिलका जो है वो भी हटा के देना, वो पछता नहीं इनके पेट में, सिर्फ एकदम आलू आलू जो हिस्सा होता है ना सेब का वो देना। चोर, चोर, रेडियो में चेक करने के लिए दे रहा हूँ, दे रहा हूँ लोमड़ी देना, कैसे खाएगी देख, आवाज देख, आवाज मधुर आवाज निकाल के खाती लोमड़ी कप कप करके, और खाएगी और खाऊंगी। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मम्मी जो है वो रोटी बना रही है, ये देखो सब्जी कौन सी बनाई है, ये आलू टमाटर, और मम्मी जो है वो भी दीदी से बात कर रही है। गप्पूड़ी यहाँ पर कलेश करता हुआ, ये मेरी थाली लग चुकी है और छाछ निकाल रहे हैं हम, इस छाछ का थोड़ा सा जो है हमारी गप्पूड़ी को भी मिलेगा, देखो किसे देख रहा है, छाछ चाहिए गप्पूड़ी को? छाछ पीऊंगी। अरे सर क्या बात है, बहुत बढ़िया छाछ रहे तो ठंडी ठंडी, वारे छोरा मजा आ गया। तो दोस्तों यहाँ थाली सजा ली गई है, आलू टमाटर की साग, रोटी, छाछ, घी, नमक और छाछ में डालने के लिए मसाला, मेरा फेवरेट खाना है, इसलिए मैं वीडियो पर ध्यान न देकर खाने पर फोकस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी रोटी बन चुकी है, जैसा कि आपको सौरभ ने बताया कि आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाई है मैंने, क्योंकि सौरभ दो दिन से मुझसे कह रहा था कि मम्मी आप सबकी फेवरेट सब्जी बना रहे हो, आप आलू टमाटर क्यों नहीं बनाते, आज इसकी फरमाइश पूरी कर दी। मैं कपड़ी ब्लॉगिंग तू कर, ब्लॉगिंग करती हूँ।
तुमने मुझे व्लॉगिंग करने का मौका दे दिया, चलो उठ। ये देखो दोस्तों, कट के आ चुके हैं प्याज। जब तक गप्पूड़ी व्लॉगिंग कर रही थी, जब तक प्याज कट के आ चुके हैं। अब आराम से शांति के साथ मैं इस खाने का आनंद लेना चाहता हूँ दोस्तों, और अपन बजाएंगे थाइनोस की तरह एक चुटकी तो सारा खाना खत्म हो जाएगा।